फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं होममेड घी। होममेड घी बनाने के लिए हम मलाई को पहले स्टोर करना पड़ेगा, तो मैंने ये आज का मलाई लिया है और आप ऐसे करके 15 दिन तक हम लोग स्टोर करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो पहले दिन का आप स्टोर करके रखेंगे उसके ऊपर आप 1 टेबलस्पून दही उसको थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए उसके ऊपर, ताकि वो जो स्मेल रहेगा वो फ्रिज में आएगा ही नहीं और उसका जो खुशबू है वो बरकरार रहेगा। तो बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा ये दही की वजह से, वो जो एक रह जाने का एक स्मेल आता है या फिर पंजेंट स्मेल आता है वो नहीं आएगा। तो आप ऐसे करके इसको फ्रिज में रखिए, उसके बाद इसमें हर दिन का स्टोर करते जाइए। अभी मैंने 15 डेज तक इसको स्टोर करके रखा हुआ है। देखिए कितना अच्छा सारा क्वांटिटी का हो गया है हमारा मलाई। तो इससे हम अभी थोड़ा थोड़ा करके एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और इसको ब्लेंड करें। ये देखिए ब्लेंडिंग के बाद कितना अच्छे से हमारा जो बटर है निकल आया है। अभी हम इसको एक बड़े पतीले में उसको ट्रांसफर कर लेंगे। ये जो पानी रह जाएगा उसको, ये एक्चुअली बटर मिल्क है, तो आप इसको कोई भी करी में, कढ़ी में या फिर केक में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारा बटर हमारा बटर मिल्क से अलग हो गया है, ये देखिए। और अभी हाथ की मदद से ही हम इस सारे बटर को निकाल लेंगे। एक बड़ा सा पतीला हम लेंगे और उसमें सब निकाल लेंगे। ये देखिए ना अच्छे से वो निकल के आ जा रहा है, पूरा अच्छे से सेपरेट हो जा रहा है। थोड़ा सा मेसी वर्क है बट वर्थ है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए, और देसी घी आजकल तो मार्केट में मिलना मुश्किल ही हो गया है। तो ये हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे और उसमें हमारा बटर को रख देंगे। इसमें ये बटर में आप केक भी बना सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी इसको घी भी बना सकते हैं इससे। ये देखिए हमने सारा बटर निकाल लिया है ऐसे। थोड़ा सा हाथ तो गंदे होंगे ही इसमें बट कोई बात नहीं, फिर धो दीजिएगा। अभी देखिए इसको अलग कर दीजिए। फिर से जो पानी रह जाएगा इसमें उसको निकाल लीजिए ऐसे ऐसे करके। ये प्रोसेस में मैं जैसे अभी ये कढ़ाई को हम गैस में बैठा देंगे और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही गैस ऑन होते ही ये बटर जो है पिघलने लग गया है। हम इसको थोड़ा सा चलाते हुए पका लेंगे ताकि वो नीचे ना चिपके। ये देखिए बटर पूरी तरह से पिघल गया है, लेकिन अभी इसको पकने में टाइम है। अभी देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो अभी इसको हम हिलाते हुए पका लेंगे।
सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने आ गया है। पूरी तरह से इसको हमको ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इसमें जो हीट रहेगा उसी में ही ये और थोड़ा सा पक जाएगा, लेकिन अभी भी और थोड़ा देर बाकी है। ये देखिए मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि वो परफेक्ट घी बन के आपका रेडी हो, ना ज़्यादा जले ना अंडर कुक्ड हो। अंडर कुक्ड होने से भी उसका जो खुशबू होता है वो नहीं आता और ओवर कुक हो जाने से भी उसका स्मेल चला जाता है, तो इसलिए उसको परफेक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये देखिए इसका थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर हो गया है। अभी हम इसको बंद कर सकते हैं, देखिए, और इसी में ही ये और थोड़ा सा पकेगा क्योंकि तेल अभी भी बहुत गर्म है, तो उसी में ही उसी का हीट जो रहेगा। लेकिन अब अभी इसको छोड़ना नहीं, लेकिन देखिए नहीं तो बबल आके पूरा आपका नीचे गिर जाएगा। ये इतना सारा घी नहीं है बट ये बहुत ज़्यादा, इसलिए बड़ा पतीला आपको लेने के लिए मैंने बोला था। ये देखिए इसको मैंने गैस बंद कर दिया है लेकिन फिर भी अभी ये पक रहा है, तो इसको हम चलाते रहेंगे नहीं तो ये गिर जाएगा। ये देखिए परफेक्ट, इसको ठंडा होने के लिए हम अभी रख देंगे। तो ये हमारा घी बन के रेडी है, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली कूल डाउन करेंगे जार में रखने से पहले। अभी ये घी हमारा ठंडा हो चुका है तो इसको हमें जार में भरेंगे। एक मैंने कांच का जार लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रख लिया है और इसको धीरे से डालेंगे। तो ये देखिए घी हमने छान लिया है और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। और इसको अभी आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें से एक एक चम्मच अपने बच्चों को रोज़ दीजिए उनको हेल्दी रखने के लिए, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड। टिल देन बाय।